पटाखा बैन के फैसले का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। चेतन भगत त्रिपुरा के गवर्नर के बाद अब बाबा रामदेव को भी न्यायपालिका का ये फैसला पसंद नहीं आया है और उन्होंने कहा कि इस तरह से सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पटाखा बैन के फैसले का योग गुरु बाबा रामदेव ने जबरदस्त विरोध किया है। रामदेव ने कहा कि हर बात में सुप्रीम कोर्ट का दखल ठीक नहीं, कोर्ट को धर्म की परंपराओं का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी विशेष समुदाय या धर्म को टारगेट किया जाएगा तो ये धार्मिक रूप लेगा ही। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि रामदेव ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि इंसान को जितना हो सके प्रदूषण से दूर रहना चाहिए, लेकिन अगर कानूनी तौर पर बात की जाए तो करीब महीने भर पहले ही सरकार ने 500 पटाखा एजेंसियों को लाइसेंस क्यों दिया। सरकार पर तंज कसते हुए रामदेव ने कहा कि क्या आप सरकार उन 500 कंपनियों के पटाखों को खुद खरीद लेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर तक दिल्ली NCR में पटाखों पर बैन लगा दिया है। कोर्ट के इस फैसले का विरोध देश भर में कई राजनीतिक पार्टियों ने भी किया है। वहीं से पहले कल त्रिपुरा के गवर्नर तथागत रॉय ने भी हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगाया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।